देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली वासियों के लिए भी मई की शुरुआत खासी राहत भरी रही। दिन भर धूप खिली रहने के बावजूद तेज हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई। आलम यह रहा कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और वर्षा की ठंडक से बुधवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान में खासी कमी देखने को मिली है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2 मई को कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट और उत्तर पूर्व के 5 राज्यों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज कई राज्यों के लिए हीट वेव अलर्ट और उत्तर पूर्व के 5 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में 5 मई को हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 5 मई तक महाराष्ट्र, गुजरात में हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। बिहार में चल रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज भी कई राज्यों में लू की स्थिति भी बनी रहेगी। वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लू से लोगों को राहत मिली हुई है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहां भी गर्मी के मार से लोग परेशान हैं। दिन शुरू होते ही पारा चढ़ने लगता है, दोपहर तक लू के थपेड़े से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आज कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।